नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं NHR न्यूज। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मेरबालिन साई कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कॉर्पोरेट पर चल रहे हैं। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेरबालिन साह ने प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कॉर्पोरेट की शोभा बढ़ाई और उन्होंने निमंत्रण के लिए कांस के मेयर डेविड लिंस राड का आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति की तस्वीरें साझा की है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि नेपाल का मेयर बालिन साही फ्रांस की इस बड़े फिल्म फेस्टिवल में अपना जबरदस्ती जलवा बिखेर रहा है। कांस के मेयर द्वारा बालिन को भेजे गए निमंत्रण पत्र में महोत्सव को फिल्म के रचनात्मक शहर को एक साथ लाने के अवसर के साथ साथ ओन एयर नामक ऑडियो विजुअल सामग्री श्रृंखला के बारे में जानने का अवसर मिला है। 37वां कांस फिल्म महोत्सव 14 मई से 25 मई तक आयोजित किया जा रहा। हालांकि इस साल नेपाल से किसी फिल्म का चयन नहीं किया गया, लेकिन नेपाल में सिमलेस शूट को ऑन रिकॉर्ड श्रेणी में चुना गया है और नेपाली भाषा की फिल्म तारा ए लास्ट स्टार को चुना गया है। मार्केट स्कोनिंग श्रेणी में चयनित है। इन दोनों फिल्मों में नेपाली कलाकार और तकनीशियन शामिल है और नेपाल के बालिन साही फ्रांस में काफी पॉपुलर हो रहे हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।